हेलो फ्रेंड्स, आई एम एलपी राकेश। वेलकम टू अनदर डे अनदर वीडियो। और आज का वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करूंगा, क्योंकि आरआरबी भुवनेश्वर बोर्ड ने वेटिंग लिस्ट क्लियर किया है एलपी और टेक्नीशियन का। और ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उन भाइयों के लिए जो वेटिंग क्लियर होने का इंतजार कर रहे थे। तो आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपका नाम इस लिस्ट में आ गया, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि एलपी वेटिंग लिस्ट क्लियर फाइनली किया जा रहा है सारे बोर्ड का। इससे पहले आरआरबी मुंबई बोर्ड का भी वेटिंग लिस्ट क्लियर किया गया था, और आरआरबी भुवनेश्वर बोर्ड ने भी वेटिंग लिस्ट क्लियर किया, और बहुत सारे बोर्ड अभी जल्दी से जल्दी वेटिंग लिस्ट क्लियर करते रहेंगे, क्योंकि वैकेंसी फ्यूचर में तो आने के चांसेस पूरा बन रहे हैं, क्योंकि वेटिंग लिस्ट क्लियर किया जा रहा है। तो आप लोग हमेशा मोटिवेट रहिए, और जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके भाई को चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि जल्दी से 1K के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और चलिए चलते हैं, आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि कौन कौन से पोस्ट और किस में वेटिंग लिस्ट क्लियर किया गया है। सभी मैं आपको कुछ स्लाइड दिखाऊंगा जिसमें बहुत सारे पोस्ट को क्लियर किया गया है वेटिंग, तो आप आगे स्लाइड में देखेंगे। आपने स्लाइड में देख चुका कि कौन कौन से मतलब लिस्ट में आपका नाम आया होगा, तो आप देख चुके होंगे कि एलपी में कौन कौन से और टेक्नीशियन में कौन कौन से पोस्ट में आपका वेटिंग लिस्ट क्लियर किया गया है। और मैं बहुत खुश हूँ उन लोगों के लिए जिनका वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ है, क्योंकि उनका एक सपना था एलपी बनने का, वो पूरा होगा, और अभी उनका जो भी आगे का क्राइटेरिया है वो पूरा करके वो ज्वाइनिंग कर लेंगे, ट्रेनिंग होगा उनका, फिर वो इंडिपेंडेंट ड्यूटी करेंगे, और वो एक स्टेप आगे निकल गए, क्योंकि उन लोगों का लाइफ अब एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाएगा, और वो अब आगे कुछ भी अपने फैमिली के लिए कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी अपना तैयारी जान लगा करके कर रही है, ताकि फ्यूचर में वैकेंसी आएगी तो टाइम अगर नहीं मिलेगा तो आप उसमें चूक जाएंगे। तो आप लोग मोटिवेट रहिए, और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करिए, ताकि आने वाले वैकेंसी में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और जितने भी कंपटीशन हो आप अपना 100% दें, और आप इस वैकेंसी में सिलेक्शन ले लें। बस यही मैं चाहता हूँ, ताकि आप लोग की भी लाइफ अच्छी हो आगे फ्यूचर में, और आप लोग भी अपने पेरेंट्स के लिए कर पाए कुछ। तो आप लोग मोटिवेट रहिए, और अपना तैयारी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट क्लियर हो ही रहा है, और आप देख ही रहे, और वैकेंसी भी आने के चांसेस बढ़ रहे हैं अब, क्योंकि वेटिंग लिस्ट क्लियर किया जा रहा है। तो आरआरबी भुवनेश्वर बोर्ड ने वेटिंग लिस्ट क्लियर ही कर दिया है, तो आगे भी आपको वेटिंग लिस्ट क्लियर करने को देखने को मिल सकता है। तो आप लोग हमेशा तैयारी करते रहिए, और कुछ भी डाउट होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपका आंसर दूंगा। और आपको अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए एलपी रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, और हमेशा मोटिवेट रहिए, क्योंकि आप एक मोटिवेशन रहेगा तभी आप पढ़ पाएंगे। और हमेशा पॉजिटिव सोचिए कि अच्छा होगा लाइफ में आगे, तो आप हमेशा अच्छा सोचिए, आपके साथ अच्छा ही होगा। तो चलिए, आप मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, और जल्दी से 1K पहुँचाना है अपने भाई के चैनल को। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।